ले जी, आज आ गया है फादर्स डे। चंद हफ्ते पहले था मदर्स डे। मैंने उस पर व्लॉग किया था तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि जी अगर कोई इससे को खुश होता तो आपको इस पर क्या बात। ठीक थी उनकी, लेकिन मैंने कहा आज मैं थोड़ी सी ना, क्योंकि मैं अमेरिका में अगर पैदा नहीं हुआ तो पला बड़ा यूँ कह लेंगे वहीं पर। और फिर ये कि मेरे घर में माहौल भी अमेरिकन था, क्योंकि वाइफ अमेरिकन थी, अल्लाह पाक ने जन्नत नसीब करे। तो वो अलहदा बात है कि वो हमारे रंग में रंग गई, देसी हो गई, देसी की तरह रही और फिर चली गई। तो ये आप ये जो फादर्स डे, मदर्स डे और इसके अलावा जो है सारे डे, इनकी ज़रा हिस्ट्री सुन लें ताकि आपको पता चले कि बेसिकली ये किसी जो है ना मोहब्बत में ये दिन नहीं मनाए जा रहे। इसका एक जो है ना प्योर फाइनेंशियल जो है ना इसका एक पहलू है, मैं अब आपके सामने रखता हूँ। बड़ी छोटी सी बात करके इसको ख़त्म करता हूँ। ये आपको पता सारे दिन कहाँ से डिफाइन हुए हैं? अमेरिका से। ये क्यों हुए, कब हुए और कैसे हुए? ये चंद जो बिजनेस माइंड लोग थे ना, जो चाहते थे कि बिजनेस इंक्रीज हो, उनके इंक्रीज करने के तरीके क्या हैं, तो वो उन तरीकों में एक तरीका ये था कि ऐसे दिन डाले जाएं जो कि थोड़े से टची हो, लोग उसको फील करें, जैसे मदर्स डे हर बंदा। फिर वो एक जब वो फूलों वाला दिन होता है, वो आशिकी मशूकी वाला दिन, फिर ये सारे दिन इकट्ठे किए गए। फिर इनको बाकायदा शेल्टर दिया गया, क्योंकि फिर वो लोग बाहर जाते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, फिर वो जो इकानमी है उस इकानमी पे वो अच्छा असर पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो यूरोप में बाकी सारे कनाडा वगैरह, अब अफ्रीकन मुल्क जो बेचारे हार्डली जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, ये मुल्क वहाँ ये दिन वहाँ तक पहुँच गया। तो मेरी आप सब दोस्तों को जो मेरी अक्सर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, कमेंट्स वगैरह भी करते हैं, अच्छे भी और कभी कभी थोड़े तलख भी कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपको बेवकूफ़ बनाने का बड़ा खूबसूरत सा तरीका है। अब देखें ना, कौन करेगा जी फादर्स डे पे एतराज़, क्योंकि उन्होंने मसाला ही चूर नहीं ऐसा डाल दिया उसमें, और हम भी भाग भाग के जनाब वो अब्बा जी को मैसेज कर रहे हैं, और बच्चे और अब्बा जी बच्चों के, और फिर कुछ जो जज्बाती लम्हात भी। तो भाई जान, ये बेसिकली जिन लोगों ने वहाँ पे बैठ के एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को इन्वेंट किया, इजाद किया, तो ये वो इजाद है। इसका मदर से, फादर से, बेटे से, बेटी से, बच्ची से, बच्चे से, बांझे भतीजे, किसी से कोई तलक नहीं। आशिकी मशूकी महबूब, ये सारे फूल तोहफे, तो ये उन्होंने अपना बिजनेस चलाना था, और फिर ये चीज़ वो उनकी हिट हो गई। क्योंकि कई फिल्में होती हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं, उन पर बड़ा बजट लगता है, और कुछ चीप सी फिल्में होती हैं लेकिन वो बड़ा बिजनेस कर जाती हैं। तो इस तरह से ये जो फिल्म बनाई गई थी ना दिनों की, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो फिर ठीक है।